सानह नौवीं के बाद इमरान्डूस के जेरे अताब आने और यूथे लीडर्स के चूहों की तरह बिलों में छुप जाने और वफा के बुलंदुबान दावे करने और हर तरह की कुर्बानी देने के दावेदारों के नए घोंसलों में पनाह लेने के बाद हकीकी आजादी के नाम निहाद अलमबरदार इमरान खान ने अपनी जमात अमलन वुकला के हवाले कर दी है। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से आगा जराए ने बताया कि जेल में कैद पार्टी चेयरमैन अपनी अहलिया और बहनों को भी आगा कर चुके हैं कि फिलहाल पार्टी को पीटीआई के वुकला चलाएंगे, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि वुकला पर हुकूमत का हाथ डालना मुश्किल है, उनके पीछे बार्स खड़ी होती है। जराए के बकौल खास तौर पर इन हालात में जब पीटीआई के बेशतर रहनुमा गिरफ्तार या भागे हुए हैं, जबकि कोर कमेटी के एक दो अरकान को छोड़कर बाकी सब भी अंडरग्राउंड हैं, ऐसे में वुकला ही उनकी पार्टी को जिंदा रख सकते हैं। कोर कमेटी के खौफ का ये आलम है कि किसी को नहीं बताया जाता कि कमेटी का इजलास कहाँ होता है, बस प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। जराए के मुताबिक कोर कमेटी की कोई बाकायदा मीटिंग नहीं होती, सिर्फ व्हाट्सएप पर मुशावरत करके बयान जारी कर दिया जाता है। वाज़े रहे कि इस वक्त उमर अय्यूब ने बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल बज़ाहिर पार्टी की बागडोर संभाल रखी है, लेकिन वो भी पुलिस को मतलूब हैं। उनके वारंट गिरफ्तारी गुज़िश्ता माह जारी हुए थे। पीटीआई के मौजूदा अंदरूनी मामला से आगा जराए के बकौल इमरान खान ने वुकला को अपना फ्रंट लाइन सोल्जर बनाने का फैसला इसलिए किया कि इनके ख्याल में हुकूमत वुकला पर हाथ नहीं डालेगी, यूं इनका बयानिया और पार्टी का वजूद बरकरार रहेगा। दूसरी जानिब इमरान खान के गिर्द आजकल दिखाई देने वाले वुकला में से अक्सर ने अपनी आंखों में इख्तदार और बड़े ओहदों के ख्वाब सजा रखे हैं। इस वक्त इमरान खान, उनकी अहलिया और बहनों के मुकदमात लड़ने वाले वुकला की एक फौज जफर मौज है। उनमें हामिद खान, सलमान सफदर, उमेर नियाजी, नईम पंचोता, शेर अफजल मरवत, लतीफ खोसा, बाबर अवान, शिराज अहमद राजा, आफ्ताब बाजवा और शुएब शाहीन समेत एक तवील फहरिस्त है। बेशतर ने आम इंतखाबात और सैनेट इलेक्शन में पीटीआई के टिकटों की उम्मीद लगा रखी है। इनमें एक हामिद खान वाहिद कानून दान है जो पीटीआई के बानी रहनुमाओं में शामिल है, जबकि लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी सियासत करते रहे हैं, लेकिन इन्हें पार्टी क्यादत की तरफ से साइडलाइन कर दिया गया है, तो अब उनकी उम्मीदों का मरकज पीटीआई बन चुकी है। बाबर अवान भी वकालत के साथ सियासत करते रहे हैं, ताहम वो भी पीपल्स पार्टी और दीगर कश्तियों के सवार रहे हैं और अब फिलहाल तहरीक इंसाफ ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। चेयरमैन पीटीआई के इर्द गिर्द नजर आने वाले बाकी वकीलों में से बेशतर को इमरान खान की गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा दर्ज होने से पहले कोई नहीं जानता था। अब इनमें से अक्सर पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ टीवी टॉक शो या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाई देते हैं और उन्होंने आम इंतखाबात में अपनी लॉटरी खुलने की आस लगा रखी है। जेल से इमरान खान के ज्यादातर पैगामात भी इन वुकला के जरिए ही मीडिया तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वफाकी इदारुल हुकूमत में मौजूद बाज़ बाखबर ज़राए का दावा है इमरान खान की इस हिकमत अमली को नाकाम बनाने की तैयारी कर ली गई है। इसके नतीजे में आने वाले दिनों में बाज़ वुकला की गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं, खासतौर पर उन वुकला की जो जेल से इमरान खान का झूठा बयानियां फैलाने की कोशिश में मसरूफ हैं। चंद रोज पहले इमरान खान से जेल में मुलाकात करके आने वाले उनके एक वकील आफ्ताब बाजवा ने ये बेपरकी उड़ा दी थी कि अडियाला जेल में इमरान खान को जहर दिया जा रहा है। इस पर एक हलचल मच गई थी, ताहम अगले दिन ही गालिबन पेच कसे जाने पर आफ्ताब बाजवा ने यू टर्न ले लिया और इस हवाले से अपनी वीडियो बयान में कहा कि इमरान खान को सिलोपाइजन दिए जाने से मुतालिक मेरा बयान गलत था। पीटीआई के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में मौजूद एक बेजार जिम्मेदार के बकौल इमरान खान तकरीबन हर मुलाकात में अपने वुकला और अहल खाना से न सिर्फ इस खौफ का इजहार करते हैं कि इन्हें सिलोपाइजन दिया जा सकता है, बल्कि वो ये इसरार भी करते हैं कि बाहर जाकर ज्यादा से ज्यादा इस बात को मीडिया में फैलाया जाए। इस बेजार जिम्मेदार के मुताबिक इमरान खान जहर फोबिया का शिकार हैं। हो सकता है कि अपने दौर इख्तदार में उन्होंने ऐसी कुछ चीजों को होते देखा हो और अब मुकफाते अमल का खौफ इन्हें सता रहा हो। अपनी गिरफ्तारी से कबल खुद इमरान खान ने भी अपने वीडियो खिताबात में मुतद्दिद बार इस खौफ का इजहार किया था कि अगर इन्हें जेल में डाल दिया गया तो जहर देकर मार दिया जाएगा। उसके बाद उनके माजी के भौंपू शेख रशीद ने एक से जायद बार इन खदशात का इजहार किया था। जब इमरान खान गिरफ्तार हो गए और इन्हें अटक जेल में डाला गया तो इनके अहलिया बुशरा बीबी ने बाकायदा पंजाब हुकूमत को खत लिखकर इस खदशे का इजहार किया था।
फिर जब इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया तब भी इस प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी रहा। लतीफ खोसा समेत इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वाले तकरीबन हर वकील ने यह बेसरोपा मुद्दा उठाया। हत्ता के साइफर केस की समाअत के दौरान एक बार खुद इमरान खान जज अबुल हसनात जुल्कनैन के सामने घिघियाने लगे कि इन्हें घर का पका हुआ खाना लाने की इजाजत दी जाए क्योंकि इन्हें जेल में दिए जाने वाले खाने में जहर मिलाए जाने का खदशा है। हालांकि इस मामले से आगा जराए का कहना है कि इमरान खान को खाना देने से पहले कई सिक्योरिटी चेक हैं। कोई गड़बड़ इसलिए भी मुमकिन नहीं कि एक मकबूल सियासी रहनुमा को जहर देकर मारना रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जहर के खौफ का भूत इमरान खान के जहन से उतरने का नाम नहीं ले रहा। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।